अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर हम ये पैसे पैसे पर आए इनको आप वहाँ के नंबर नहीं सर, खटाम में खाद नहीं मिल रहा सर। कहाँ के लोग हैं आप? तो पूरे देवा जिले से। खाद नहीं बता रहे हैं लोहारी में, आपसे कौन मिल रहा है खाद? और सर हाँ, मैं हूँ बलदा पंचायत से, बलदा पंचायत हाँ जिला देवास। इसलिए ना जब तक आप माइक नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। वालो मंडी से देखिए, माइक करोगे तो आप भीड़ आराम से नहीं करवाओगे, पुलिस के पास नहीं रहेगा माइक कंट्रोल, इजी रहेगा। ठीक है कुमार, उम्र कितनी? 52। टोकन दी दो, हमारे पास हाथ भले परसों दे दीजिए, जाओ अब हमारे तो मोड़ो ही जाए, साधन नहीं है कहीं। टोकन नहीं मिला? नहीं मिला था। अच्छी बात है, तो टोकन हमने किस दिन में बांटे? तहसीलदार के जाओ और इस तरह के लाओ, मेरे पास देवा जिले की ना दिया तो आप। ये तो टोकन मेरे एक तारीख को लिया हुआ मैंने, उस वक्त पावती थोड़ी ली थी, और मैं लाइन में 7:30 बजे का खड़ा हूँ, फिर से लाइन में खड़ा हूँ पीछे में। एक तारीख का टोकन मिल गया ना, मिल जाएगा तो मैं लाइन में वापस पीछे खड़ा कराना मेरे को। नहीं मैं 7:30 बजे आया, सुबह 7:30 बजे आया हूँ। प्राइवेट के 200 बटे टोकन यार, सुनो ज्यादा रेट से किसान को मटा पे नाम बता दो, दुकान का नाम बताओ, महंगा दुकान का नाम जाता कहाँ से? ये किसान यहाँ परेशान हो रहे हैं, और बंदे में उनकी दुकान हो भरी है, जब भरी उनकी दुकान हो। आपस में बात नहीं, जो बात करनी है यहाँ पर करो। बड़े आदमी हो क्या तुम? डिफॉल्टर हो गया वहाँ से आए जैसे मेंबर को यहाँ पर आने मेंबर को तो अपने ही सिंगल लॉक से मिल रही है, तो फिर आपके कहाँ पर तुम बोल रहे हो? आपको यहाँ पर नहीं आना है, आप इमरजेंसी में रहेगा। ऐसा होता है कि कम से कम 50 साल किसान हल्ला कर रहे हैं,
हम एक हर दिन पे सीमा लगा रहे हैं कि इस दिन इतने टोकन मिलेंगे, जो किसान पहले आएगा पहले पाएगा, हल्का सा लेट आएगा तो उसके अगले दिन का तारीख आगे बढ़ा दो, आपका वेट कर लो टोकन मिलेगा। टोकन हाँ कोई बात, लेट आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बिल्कुल। अभी हमने 6 का दिया है, 7 का दिया, 8 का टोकन कितने दिए, 8 तारीख के दिए, कितने 8 के 8 तारीख का टोकन मिल जाएगा, ठीक वेट कर लो मिलेगा। और क्या समस्या आ रही है? बस कहीं में हमारे समस्या यह है कि जमीन ज्यादा और 3 बोरी थी, जमीन ज्यादा है 3 बोरी, कल फिर आ जाओ 8 तारीख का टोकन फिर ले जाओ। कितनी जमीन है आपके पास? 8 बीघा। 8 बीघा और सभी को 5 बोरी थी, 5 बोरी में कर दो। हम प्रयास कर रहे हैं, 5 नहीं दे रहा, 5 दे रहे हैं, खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। यार साहब, वो राजोदा वाली सोसाइटी के लिए कहा था ना कि आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ताकि 12 का मेरा काम कर सके, कहाँ उसी दिन DDA साहब कह रहे कुछ नहीं आया आपकी तरफ से। लाइसेंस कहाँ है, आप मिल गया लाइसेंस क्या? हाँ कोऑपरेट नहीं किया तो आपने मुझे फोन लगाया क्या? हवा हवाई बातें क्यों करते हो? कोऑपरेट नहीं किया उसने, मतलब फिर मैं क्या कॉस मशीन ले घर में रख लूँ? आप क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? अगर उससे आप खाद नहीं बांट रहे हो तो क्या मतलब नहीं उसका? मैं फिर फालतू बातें कर रहे हो? अगर काम नहीं हुआ तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, ये फालतू बातें मत किया करो, इसने कोऑपरेट नहीं किया उसने कोऑपरेट नहीं किया। अगर कहीं इशू आता है तो फोन क्यों लगाते हो आप? नहीं कब कब बोला, ये कौन डिसाइड कर रहा है आपके लिए? किसने बोला है शनिवार रविवार काउंटर चलाना है? फालतू बातें करते हो। हमने कहा था अलग से पॉस मशीन का लाइसेंस देना है आपको और वहाँ काउंटर चलेगा अलग से। किसने बोला वीकेंड पे चलेगा? फालतू बातें मत किया करो, पहले डिसाइड किया था किसी ने। अभी आज की आज में आप लाइसेंस की कार्रवाई करेंगे। ठीक है तो हम खुद दिखाओ भी डीडीए साहब पूरी को आपने भेजा हुआ वहां पर। वैसा कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बिहारी आप दे दो कि आपका हो जाए कौन बंदा कितना यहाँ से भी ले जाए वहाँ से भी स्थान एक है ना, उसकी व्यवस्था भी अच्छी जमानी पड़ेगी कि मल्टीपल आपके पास वहाँ पर लोग बैठ जाए, मल्टीपल लाइन लग जाए, वरना टोकन भी मिल जाएगा। और बाकी 1 बीघा ठीक है, तो ये आपका 210 से पौने 1 आज के 340 को आज दोगे ठीक है। अब 7 तारीख का सर 100, 190 और 200 300 डीआर को ये कहा था एजेंट साहब कि अपन अभी हमारे 12
कैश काउंटर, इनको बढ़ा के हम 15 कर सकते हैं क्या? उसी कैश काउंटर के दो काउंटर खोल देते हैं एमपी एग्रो के पास, तो लोग खाते नहीं है वहाँ गुराड़िया में, वो खाद हमको मिलते नहीं था। तो आप तो मेंबर हो, 15 दिन हो गए वहाँ। हाँ आप मेंबर हो ना? हाँ खाते नहीं किससे क्या हादसा हुआ था? ये सर ड्यूटी जा रहा था घर से। क्या नाम है इनका? सत्यनारायण जी नाम है, और ये ड्यूटी के लिए निकला था घर से 11:30 बजे। ये 12 बजे ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी। तो ड्यूटी आया यहाँ पे ब्रिज के, चढ़ा ब्रिज के, उसे वहाँ पे सामने वाला वाहन आया तो साइड नहीं मिलने का, और आउट साइड आ गया ना, इसको ठोक दिया। अच्छा। हाँ ओवरटेक कर, ओवरटेक करके ठोक दिया। हाँ, और इसके वापस इतनी जबरन से टक्कर लगी सर, वो नीचे गिर गया ब्रिज से नीचे गिर गया। आपको कैसे सूचना मिली? वो वहाँ से कोई प्रत्यक्षदर्शी ने देखा वो पास में, और उन्होंने फिर फ़ोन नंबर मेरा था, तो उसके आधार पे मेरे को फ़ोन आया, कॉल करा उन्होंने कि ऐसे ऐसी बात है, वो तुम ना आओ, तुम्हारी पहचान के है? तो मैं हाँ सर मेरा भाई है। ये कैसे से? ये वो टू व्हीलर से, बाइक से सर। ये आप कौन लगते हैं उनके? मैं बड़ा भाई हूँ उसमें। ये जो गिरे थे तो उनको कहाँ कहाँ पे चोट आई आपने देखा था? सर वो पाँव फ्रैक्चर है, इसके बाद वो मुँह में लगा हुआ है, और सर में भी लगी, वो सर इतना ज़्यादा नहीं देख पाए। आपका नाम क्या? मेरा नाम देवनारायण। कहाँ रहते हैं आप? मैं नौ माता मंदिर भैरवगढ़ देवास। भैरवगढ़ नहीं है या किसानों को नहीं मिल रहा है? चक्का जाम भी किया था किसानों ने, आपके अभी अधिकारियों से किसानों से बात हुई है, क्या कहना था? जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो दिया था सभी मीडिया के साथियों को, कि लास्ट ईयर की तुलना में इस बार जो हमारा खाद का वितरण हुआ है वो काफ़ी अधिक हुआ है। इसके अलावा सोसाइटीज़ में जितना खाद पिछले पूरे के पूरे रबी सीज़न में बटा था उसका लगभग 55% खाद, आधे से भी अधिक खाद अभी तक बट चुका है। तो कहने का मतलब किसान भाइयों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिला है। जो हमारे अऋणी किसान हैं जिनको सोसाइटीज़ के माध्यम से खाद नहीं मिल पाता है, उनको कैश काउंटर्स पे खाद मिलता है। कैश काउंटर्स पे जब जिस दिन हमारा चक्का जाम हुआ था उस दिन कुछ अव्यवस्थाएं हो गई थी, क्योंकि वहां पर कुछ पोर्टल के इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से टाइमली अपलोड नहीं हो पाए थे, लेकिन वो समस्याएँ पूरी तरह से हल हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे 12 कैश के काउंटर्स चल रहे हैं पूरे ज़िले में, जिसमें आराम से सभी किसान भाइयों को खाद मिल रहा है। आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारे मेंबर साहिबान हैं सोसाइटीज़ के, वो कृपा करके सोसाइटी से ही खाद प्राप्त करें, वो अऋणी किसानों के साथ में यहाँ पर लाइन में मत लगें। इसके अलावा जो हमारे अऋणी किसान हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में खाद हमारे पास उपलब्ध है, और ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस खाद हमारा आ रहा है, तो किसी को भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि खाद उनको नहीं मिलेगा। सर देखने में आया कुछ कर्मचारी अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो सुस्ती दिखा रहे हैं अपने काम में, उपायुक्त सहकारिता को भी आपने फ़ोन पर फटकार भी लगाई। हालांकि सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं, ये टाइम ऐसा होता है जिसमें हल्का सा हमारे किसान भाइयों की तरफ से प्रेशर होता है खाद जल्द से जल्द वितरण हो सके। हमारे DR साहब, हमारे CCB साहब, हमारे मार्कफेड के DMO साहब, सब लोग इस काम पे लगे हुए हैं, और जैसा कि आप सबको ताकीद किया है अब किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सर कोई कर्मचारी और अधिकारी किसान संबंधी मामलों में लापरवाही करता है तो आप कार्रवाई करेंगे? आवश्यक रूप से यदि कोई लापरवाही और किसी की जानबूझ के की गई गलती सामने आती है तो अवश्य ही सख्त कार्रवाई इस मौसम में की जाएगी। ठीक, थैंक यू।